अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब दोस्त खुश होंगे। ये हमारे पास रिसीवर आया है अली 3510, ये वाला रिसीवर। तो इसमें मसला ये है कि ये रिसीवर ऑन पे खड़ा है, कभी कभी रेड लाइट पे जाता है। तो इसको खोल के चेक करते हैं इसमें मसला क्या है। तो पहले हमको मेन चीज़ ट्रेस करना पड़ता है, तो इसमें मसला क्या हो सकता है। इसके पहले हमको वोल्ट ट्रेस करने हैं, सप्लाई के 5 वोल्ट, उसके बाद रेगुलेटर। अभी पहले हम इसके सप्लाई के 5 वोल्ट ट्रेस करेंगे। तो ये पावर सप्लाई के 5 वोल्ट बन रहे हैं, 5 वोल्ट इसके बिल्कुल ओके हैं। इसके बाद हमको अभी चेक करना है 1.8। तो दोस्तों ये चेक करें, इसके 1.8 भी बिल्कुल ओके हैं। तो इसके बाद हमको वोल्ट ट्रेस करना है 3.3। तो ये 3.3 आप चेक करें, ये भी बिल्कुल ओके है। तो अभी इसके बाद जो हमारा रेगुलेटर है, एक आईसी लगा हुआ है, तो ये वाला, तो इसके वोल्ट हम चेक करेंगे, इसमें कोई भी वोल्ट नहीं बन रहा। तो इसके कोई भी, ये ऑन पे कैसे आ रहा है? तो इसके पहले ऑन करते हैं ना, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में इसके वोल्ट आते हैं, तो ये ऑन पे आता है, फिर इसके वोल्टेज चले जाते हैं। इसमें ये वाला आईसी लगा हुआ है, S10B S15B, ये वाला इसमें आईसी लगता है। तो ये अभी हमको ये रेगुलेटर चेंज करना है। तो ये रेगुलेटर ख़राब है, तो अभी मेरे पास तो हीटर है, मैं हीटर के साथ इसका ये रेगुलेटर चेंज करूँगा। दोस्तों इसका ये वाला मैं आईसी चेंज कर रहा हूँ, अभी ये चेंज करूँगा। तो इसमें जो है ना आईसी, ये वाला आईसी रेगुलेटर में चेंज कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, घंटी वाले बेल को दबाएं। इंशाल्लाह मेरे चैनल में जो ना आपको अच्छे रियल वीडियो मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी फेक आपको वीडियो नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी जो है ना इसका आईसी हम चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको वोल्टेज चेक करेंगे। अभी इस आईसी पे वोल्टेज चेक करते हैं कितने बनते हैं। यहाँ पे 1.6 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी ज़्यादा भी बनते हैं, कोई मसला नहीं। असल में कॉइल के आगे इसके वोल्टेज 1.1 बन रहा है, ये बिल्कुल अभी रिसीवर हमारा रेडी हो गया। तो अभी इसके चैनल हम आगे पीछे करके भी चेक करते हैं। नजम बलोच को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।